शहीद संतोष कुमार मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के हंदरवाड़ा में सिपाही के पद पर तैनात सीआरपीएफ के जवान शहीद संतोष कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से गया हवाई अड्डा लाया गया। गया हवाई अड्डे पर सीआरपीएफ के जवानों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा आला अधिकारियों द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर फ्लावर रिंग अर्पित कर पुष्पांजलि की गई, जिनमें गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उन्हें पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग द्वारा औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड अंतर्गत देवहरा स्थित उनके पैतृक गांव ले जाया गया। इस मौके पर बिहार सेक्टर के सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार, डीआईजी संजय कुमार, गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, सीआरपीएफ कमांडेंट डॉक्टर निशित कुमार, कोबरा बटालियन के कमांडेंट दिलीप श्रीवास्तव व कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बिहार सेक्टर के सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार ने कहा कि शहीद संतोष कुमार मिश्रा सीआरपीएफ 92 बटालियन के सिपाही के पद पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के हंदावड़ा में तैनात हैं। घटना हुई जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा ज़िले हंदवाड़ा में, जिसमें सीआरपीएफ की एक पार्टी जब गश्त में और नाका पर निकली हुई थी, उस पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए, एक जवान यूपी का था और एक तमिलनाडु का, और ये शहीद संतोष कुमार मिश्रा ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं। आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है, हम लोग उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। 92 बटालियन सीआरपीएफ के कुमार मिश्रा जी जो दिवंगत हुए शहीद, उनके आज जो पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट लाया गया था और यहाँ पर पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दिया गया है, जिसमें सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारी, बिहार सरकार की तरफ से मैं और एसएसपी साहब और अन्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी सभी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित थे। मेयर डिप्टी मेयर ने शहर के सफाई में 50 नए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गेयर क्लब स्थित जीआरडी कार्यालय परिसर में शहर की सफाई में 50 नए वाहन को गेयर नगर निगम मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, उप नगर आयुक्त याहिर साहब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद महापौर व डिप्टी मेयर ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर सफाई के काम के लिए विभिन्न वार्डों में रवाना किया, जिसमें 35 टेम्पो टीपर, 1400 सीसी, 13 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कि पूरा देश दुनिया कोविड-19 से महामारी झेल रहा है, गया बिहार में भी 5 कोरोना पॉजिटिव पहले धीरे धीरे करके 5 हुए, एक दिल्ली से लोग आए हुए, टेकारी से 6 मरीज पाया गया जिसमें 5 लोग ठीक हुए, एक आदमी का भी कल का निगेटिव जो आज आया है अखबार में समाचार में वो निगेटिव रिजल्ट आया है। हम लोग तब से गया नगर निगम द्वारा लगातार, चाहे वो सैनिटाइज का काम हो, चाहे वो सैनिटाइजर देने का काम हो, चाहे वो ब्लीचिंग छिड़काव का काम हो, चाहे वो घर घर और एरिया को सैनिटाइज करने का काम हो, सफाई का काम हो, झाड़ू का काम हो, चाहे वो इतना तक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो तब भी उनके घर का सैनिटाइज करना, उस एरिया को सैनिटाइज करना, और जितने गंदा काम भी है इस विकट परिस्थिति में भी हमारे निगम के लोग, हम सभी लोग, वार्ड पार्षद लोग, मेयर साहब, नगर आयुक्त, सारे पदाधिकारी, कर्मचारी, सब लोग मिल करके हम लोग मल मूत्र तक के उठाव करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। भारतीय सब लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद प्रतिनिधि पवन कुमार भारती ने कहा कि गैजगे जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा कोरोना महामारी पर किए गए कार्य सराहनीय है। इस संकट में गया बचा हुआ है, ये इनके वजह कर ही बचा है। उन्होंने गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह का सराहना की और इन्हें धन्यवाद दिया।